उज्जैन के महाकाल मंदिर में भस्म आरती में श्रद्धालुओं का प्रवेश बंद कर दिया गया है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के डर और कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं के चलते प्रदेश में एक बार फिर नाइट कर्फ्यू लगाया गया है और इसी वजह से महाकाल की भस्म आरती में लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। रात को होने वाली शयन आरती के समय में भी बदलाव होने की संभावना है। उज्जैन महाकालेश्वर की भस्म आरती में श्रद्धालुओं का प्रवेश शनिवार से बंद हो जाएगा। गुरुवार की रात को ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की जनता के नाम अपने संबोधन में नाइट कर्फ्यू लागू करने का ऐलान किया था और महाकाल की भस्म आरती पर भी इसका असर रहा। गौरतलब है कि महाकाल की भस्म आरती में औसतन करीब 1500 से 2000 श्रद्धालु शामिल होते रहे हैं।